नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेके देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या बिहार में इस बार भी नीतीश कुमार वापसी कर पाएंगे, क्या इस बार सत्ता पलटने वाला है या फिर महागठबंधन बिहार में बड़े मत से सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले हम बता दें बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहाँ पर 122 वो जादुई आंकड़ा होता है जहाँ पर सब पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, अगर जो आप चाहते हो कि आपको आपके विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल पता चले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप किस विधानसभा सीट से हो। एक और वीडियो हमने आपको सुबह दिया था जिसमें हमने आपको दूसरे चरण के 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल बताया था, तथा हम बारी बारी प्रथम चरण दूसरे चरण के ओपिनियन पोल को जान चुके हैं, तथा कल तीसरे चरण के 15 जिले के 78 सीटों के ओपिनियन पोल को जानेंगे। ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक किए रहोगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, इस बार एक और बड़ी खबर निकल कर बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी के रक्सौल के प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा के भाई के यहाँ कल नेपाल पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें तकरीबन 12 करोड़ रुपए के सोने की बरामदी हुई। वहीं पे बात करें इस पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा का बयान आया है कि भाजपा प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा ने प्रभात खबर कार्यालय को फोन करके यह बताया कि अशोक सिन्हा उनके भाई हैं, लेकिन वे कई साल से उनसे अलग रह रहे हैं। यानी कि साफ साफ इनका कहना है कि उनके भाई से उनका कोई नाता नहीं है, जबकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि प्रमोद सिन्हा ने 3 करोड़ रुपए देकर वहां पे बीजेपी का टिकट खरीदा है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चुनावी हलचलों के बीच यहाँ पे बैठकों का और रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, जहाँ पर रविशंकर प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाया महागठबंधन के ऊपर, आरजेडी के ऊपर, तथा ये कहा कि आरजेडी का जो जन्म हुआ है वो भ्रष्टाचारी नेता बचाने के लिए हुआ है, आरजेडी का कोई अस्तित्व तो नहीं है, हम बिहार में विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, तो जो भी हुआ बिहार में इन 15 सालों में वो आपके सामने है। चलिए देखते हैं इसको लेके जनता क्या सोचती है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये हो सकती है आपके लिए, पहली बार एलजेपी अलग चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन ये तो बात हो चुकी है, लेकिन पहली बार एलजेपी 100 से अधिक सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने वाली। हालांकि एलजेपी को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, जहां पर बीजेपी का कुछ बयान आया था जिसको चिराग पासवान ने बहुत बुरा बताया, जिस पर संबित पात्रा ने ये कहा था कि एलजेपी एक वोट कटवा पार्टी है, और देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल के बारे में, सट्टा बाजार क्या कहता है, सट्टा बाजार के हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। दोस्तों सट्टा बाजार के आंकड़े अगर जो देखें तो इसमें एनडीए, महागठबंधन और अदर्स और एलजेपी को भी हम देखेंगे। एलजेपी को जो कहा जा रहा था कि 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, क्या सट्टा बाजार के आंकड़े एलजेपी को 12 से 14 सीटें दे रहे हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों बड़ी खबर यह हो सकती है आपके लिए, सट्टा बाजार का जो ओपिनियन पोल है उसमें जो महागठबंधन है उसको 116 से 120 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आपको पता है 122 वो बहुमत का आंकड़ा, यानी कि सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच रही है महागठबंधन। तो दोस्तों सट्टा बाजार के हिसाब से महागठबंधन के खाते में 116 से 120 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें एनडीए की, एनडीए जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जिसके खाते में 90 से 98 सीटें जा सकती हैं। तो सट्टा बाजार के आंकड़ों को देखें, 90 से 98 सीटें पहले के हिसाब से घटी हुई दिखाई दे रही हैं, और तो यहाँ पे सीधा नुकसान जेडीयू को हो रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एलजेपी, जो ये कहा जा रहा था कि 12 से 14 सीटें निकाल सकती है, लेकिन यहाँ पे सट्टा बाजार के हिसाब से एलजेपी के खाते में सिर्फ 5 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एलजेपी के खाते में 5 से 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं अदर्स के खाते में भी सट्टा बाजार के हिसाब से देखें तो 12 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बिहार के जो सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल उसके हिसाब से देखें तो महागठबंधन बिहार में वापसी कर सकती है, यानी कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए, 10 तारीख को नतीजे यहीं पर आपको सबसे पहले मिलेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन क्लिक कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।